आज का देखो बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में देखो कई चीज़ बनाऊँ मैं। आपने देखा हूँ कितना गहरा बादल छाया है, दो दिन हुआ है, मोट भी है उड़ा है, और मूँगफली में फायदा है, दूसरे धान में को फायदा है, नुकसान भी है। और मैं आज बरसात के मौसम में कई चीज़ बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ, और बेसन घर बना लियो है, दालों दाल को बेसन चक्की पीसन तैयार कर लियो, और अब बनावा ये बेसन ले लियो है, अपना गट्टा पानी उबलने के लिए मात रख दियो चूल्हे माते, और घी ना दियो है, और मसालों नाक दियो है, बनाओ गट्टों की सब्जी, और पूरी वीडियो दिखाओ कड़ी बनी, लहसुन भी सोल लियो है, और इनमें एक दिन बनाई खोपरों की चक्की, ये देख सको खोपरों की चक्की ये मैंने बनाई थी एक बार बच्चों की फरमाइश, खोपरों की चक्की। घी ना दियो है तो रड़ा तैयार कर लो पहले, बाद में उड़ो तेल घी बिक्की भी ना सको। आज मैंने वीडियो देख के उठू माती में सुमा इंडियन ब्लॉगर को, तो गट्टा की सब्जी बना हुआ सुमा, मैं हो चु मैं ही बनाऊँ एक बार, यूट्यूब में वीडियो देखियो चना, मैंने याद आ गई वीडियो सब्जी बनाने की गट्टों की, पहले बनाई थी ऐस इन साल नहीं बनाई, ये इन तरीके तैयार कर लो, गेहूँ आटो ने जो उस तैयार कर लिया, और राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है गट्टों की, बहुत ही स्वादिष्ट बने, पाए चक्की की आवाज आवे, चक्की चले इन वास्ते, मोहन तैयार हो गया है, देखो इन तरीके रड़न तैयार हो गया है। ये आटो तो उन तैयार कर दी, इन तरीके हम गोल गोल बना ले रेवल रेवल में, और पानी में डाल, ये देखो गट्टा बेणन तैयार हो गया, हिज गया है, ये बोट दिया मैंने, ये बोट दिया है, और ये मैं कांदा मिर्चा बोट ली है, ये लिए दही, और ये मसालो गोल लियो है, तेल चढ़ा दियो है, ये गट्टों की सब्जी समाकन तैयार कर दी है, उबल जी हगड़ी हीज जी है, थोड़ी थोड़ी गरोई रही इन बाद में, ये देखो बहुत ही अच्छी तरी वाली सब्जी बनी है गट्टों की, राजस्थानी सब्जी प्रसिद्ध, बहुत ही स्वादिष्ट है, और आप कोई बनाओ तो यूट्यूब वीडियो देख लिया पूरो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया वीडियो, सब्जी कैडी लागी कमेंट कर बता देना, मैंने पहली बार बनाई है अभी, बरसात का मौसम आ दिन कारण, फिर दिखा दूँ मौसम कैसा है, टमाटर लाउन जो कहना इन वास्ते घर सब्जी भी बनान तैयार करियो, तो घर की देसी सब्जी देसी गट्टों की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बने। ये देखो बाहर का मौसम वैसा वैसा ही है, थोड़ा भी साफ नहीं हुए, लाइट चले, ये राजस्थानी काचर, ये प्याज गर्मियां की दिनक लाई हुई है, बची हुई थोड़ी एक सी, ये काचर है, काचर आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत ही स्वादिष्ट बने, और विलोना भी कर लियो।
चला होगा नहीं, दोनों ही बरूबर। एक तो चला जाने, एक है चलानी नहीं। अब मूंगफली पिस मरा है, बारिश बादल हम थोड़ा थोड़ा दिखावे, और लाइट भी नहीं है, लाइट की बहुत ही कमी है। अरे मेरे मुंह नो की की अब मैं बड़ी दिल फैमिली। ये देखो ये की चीज है, उनकी क्या करें, ये उबालने के बाद में स्वेल हो पाए, स्वेल उबालने के बाद मिट्टी हुई। अब बाड़ी है, खारी है, खारी खार को है, खार को बोले शायद। हमारे खेत में नहीं है पौधो, गांव में, गांव लेकर आए। ये देखो, और ये है नींबू, नींबू भी मोल नहीं लाना पड़े, नींबू कोई भी गांव में पौधो है, बढ़िया नींबू मोट मोटो अच्छा हार बनाओ, जड़ जड़ नींबू। यस ये, और शाम हो गई है, मैंने यहाँ थोड़ा गाज गार नहीं पियो, आंगन नहीं पियो, टूट गयो है, हम हावण उतर गयो, दूजो आने लगो है, आंगन ज़्यादा टूट गयो। ये देखो बहुत ही जड़ू नहीं निकले इन वास्ते। ये बिल्ली जा रही, छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं, सुरेश पड़े खेतो बैठो। ये हरियाली है, ये देखो मूंगफली, ये मूंगफली की खेती है, हरियाली। देखो हमारे देखी, हाँ कौन देखो दोस्तों, मैं बिल्ली को छोड़ता हूँ।